गोरखपुर पुलिस पर एक होटल में एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी हत्या का आरोप, जिसके चलते 6 पुलिस कर्मी हुए सस्पेंड। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। सोमवार के सुबह 8 बजे रामगढ़ ताल इलाके के कृष्णा पैलेस में 3 दोस्त ठहरने के लिए आते हैं। रात के 12 बजते हैं और अचानक से कुछ पुलिस कर्मी उनकी तलाशी लेने के लिए उनके कमरे में पहुंचते हैं। मृत युवक के साथ ठहरे हुए 2 युवक कहते हैं कि आप इतनी रात गए यहां पर क्यों आए हैं, आप इनकी तलाशी क्यों ले रहे हैं, इनकी गलती क्या है। इस पर पुलिस युवक अरविंद को मारते हुए कमरे से बाहर लेकर आती है, तो वहीं अरविंद को अंदर से आवाज आती है मनीष के चिल्लाने की, जहां पर कुछ पुलिसकर्मी मनीष को पीटते रहते हैं। जब पुलिसकर्मी मनीष को कमरे से बाहर लेकर आते हैं तो अरविंद देखता है कि मनीष पूरी तरह से खून से लथपथ है। तब पुलिसकर्मी मनीष को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर अस्पताल वाले मनीष को मृत घोषित कर देते हैं। गोरखपुर के निवासी चंदन सैनी का कहना है कि ये तीनों युवक गोरखपुर में घूमने आए थे। अचानक से रात के 12 बजे पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उनकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जिसका विरोध ये तीनों युवक करते हैं, जिसके चलते ये घटना घटती है। मृतक मनीष के मौत की खबर सुनते ही मनीष की पत्नी कानपुर से गोरखपुर को आ गई। मनीष की पत्नी का कहना है कि जब पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही थी तब मनीष ने उनको फोन किया था। तब मनीष ने बताया था कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, लेकिन जब दोबारा से मनीष की पत्नी ने कॉल किया तो मनीष का फोन नहीं उठा और तुरंत ही उनकी पत्नी कानपुर से गोरखपुर को चली आई। अब मनीष की पत्नी की मांग है कि पुलिस वालों पर मुकदमा और कार्यवाही की जाए। मामले ने जैसे ही तुल पकड़ा वैसे ही 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में आप सबका क्या कहना है कि जो हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं अब उन्हीं से ही हमें डरने की जरूरत है। इस घटना को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर दें। नमस्कार।